सलाम के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप ताइवान पहुंच चुके हैं ताइपे में, और कुछ लोगों ने कहा था कि वीडियो बनाएं होटल के बारे में, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं, आपको दिखाते हैं होटल कहां पे रुके हुए हैं। दोस्तों, ये होटल है जहाँ पे ताइपे में मैं रुका हुआ, केसर पार्क बंचो है होटल है। 32 इसके लेवल्स हैं और ये 5-स्टार होटल है। अमूमन मैं 3-4 5-स्टार में रहता हूँ, 2-4 दिन से थोड़ा 3-4 3-4 स्टार में, तो मैंने कहा चलें अपने आपको ट्रीट देते हैं। तो ये जी होटल है, इसकी लॉबी है, आप लोग देख सकते हैं सामने वो बुफे है, और रूम लेवल 14 पे मेरा रूम है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं जो ऊपर जाती हैं, ऊपर रूम भी आपको दिखाएंगे। और थोड़ी सी टिप्स भी आपको देता रहा हूँ कि जो आपने होटल बुक कराना है तो वो उसकी क्या प्रोसीजर है, थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ वो भी। दोस्तों, आपको ऊपर स्काई जो व्यू है वो दिखाते हैं, जो इसका टॉप डेक है, लेवल 32 पर है, और वहाँ पे पूल भी है, जिम भी है, मैं दिन में भी आपको पूल दिखा दूँगा। काफ़ी अच्छा होटल है। अच्छा, 2-3 चीज़ें बुकिंग के हवाले से, वो ये कि आपने, मैं जैसे मैंने आपको 5-स्टार होटल नहीं करा था, मैं नॉर्मली 4 या 3 स्टार में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर डेली 5-स्टार होटल होंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये होटल जो है तकरीबन 320 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर नाइट के हिसाब से, या पाकिस्तानी 50,000 रुपये पर नाइट का है। तो फिलहाल 2 नाइट्स हैं, देखें शायद बढ़ा भी दूँ। एनीवेज, ये व्यू भी इंजॉय करें, ये देखें टॉप का है, लेवल 32 पर, सिटी भी देख सकते हैं आप। बुकिंग्स के लिए मैं नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी गो टू प्लेस होती है वो booking.com है, उसके अलावा ट्रिवागो होटल्स ऐप भी है एक, और एगोडा, ये भी पॉपुलर ऐप्स हैं। नॉर्मली जब आप बुकिंग कराएं तो कंपैरिजन कर लें कि कहाँ पर कौन सा प्राइस वाइज कौन सा होटल है, फिर उसको सॉर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव देख रहे हैं तो सॉर्ट बाय प्राइस कर सकते हैं। अगर आप, मैं नॉर्मली रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो है, लोगों की जो रेटिंग है उससे सॉर्ट करता हूँ, उस पर फिर अपना जो प्राइस पॉइंट होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आप booking.com वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे कुछ होटल्स होते हैं 4 या 5 स्टार उनको दिए हुए होते हैं, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो शायद होटल का जो एक्चुअल जो वो 5-स्टार होटल है, फॉर एग्जाम्पल 5-स्टार होटल, तो वो देखना पड़ता है कि आपने अक्सर आप गूगल में देखें, इसमें भी अगर आप देखेंगे इस होटल में, ये इवन दो 5-स्टार होटल है लेकिन इसके जो कस्टमर व्यूज़ हैं वो 4-स्टार हैं, तो लोगों की जो इसके रिव्यूज़ हैं वो 4-स्टार हैं। कभी होता है कि आपके 3-स्टार या 2-स्टार होटल होता है, उसकी जो रेटिंग होती है वो 5-स्टार होती है, तो दैट डज़ मीन कि इट्स अ 5-स्टार होटल। तो ये चीज़ें आपने या देख कर रखनी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसमें फिर आपने देखना पड़ता है कि 3 और 4 स्टार के जो होटल्स हैं वो कौन से हैं। कभी कभी 3 स्टार के होटल्स 4 स्टार से सस्ते होते हैं, मैं आपको जिम भी दिखा देता हूँ साथ साथ, और कभी कभी 4 स्टार के जो हैं वो 5 स्टार से महंगे होते हैं, तो जस्ट डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पर रहते हैं। अच्छा जी दोस्तों, रूम का भी आपको टूर दे देते हैं। 14th फ्लोर पर है ये रूम, स्पेस बनाई भी इन्होंने, थोड़ी सिटिंग की, हैंगर्स वगैरह हैं, स्टोरेज है, ये साथ में इन्होंने मिरर्स दिए हुए, ये जी बाथरूम है, 2 जो हैं सिंक्स हैं, वैनिटी लाइट है, टॉयलेट है, टॉयलेट ग्लास के अंदर है, शावर्स हैं, बाथटब है, और ये जी बेडरूम है, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, मेरे लिए तो खैर बहुत ही बड़ा है। ओबियसली फैमिली हो साथ तो आप इसी रूम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक बच्चा भी आपका आराम से एडजस्ट हो सकता है, एक स्पेयर
बेड्स वगैरह भी आप ना कर सकते हैं, नॉर्मली इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक छोटा बच्चों का इन्फेंट बैग वगैरह, साथ में ये एक छोटा सा बार है, इसमें चीज़ें हैं खाने पीने की, ये भी सारी अवेलेबल हैं। टीवी है, स्मार्ट टीवी है, इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये जी व्यू है 14 फ्लोर का, टाइपे आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। ओ, ये सब मिलता है आपको, सब चीज़ें, जब आप 45 से 50 हज़ार रुपये नाइट का स्पेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए।